एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग मैकवे चिलर का जो है ऑयल चार्जिंग करने वाले हैं। पहले तो ऑयल रिमूव करेंगे, कैसे रिमूव किया जाता है उसके बारे में आपको हम बताएंगे, और उसके बाद जो है ऑयल को कैसे चार्ज किया जाता है ऑयल चार्ज करेंगे। तो आप लोग वीडियो को बने रहें। सबसे पहले हम लोग चिलर का जो है लिक्विड लाइन होता है ना, लिक्विड लाइन पम्प डाउन करेंगे, रेफ्रिजरेंट को जो है पम्प डाउन करके स्टोर करेंगे कंडेंसर में गैस को। ये देखिए हमारे फ्रेंड लोग, दोस्त लोग भी हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं। इन लोग जो है, ये लिक्विड लाइन है हमारा। पहले लिक्विड लाइन को जो है क्लोज करेंगे, थोड़ा सा उसका ग्लैंड को जो है ना थोड़ा हल्का ढीला कर लेंगे, जिसके ज़रिए जो है हमारा सर्विस वाल्व जो है ईजिली जो है क्लोज हो जाएगा। और ये जो है हमारा फिल्टर ड्रायर चेंज करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है फिल्टर ड्रायर। ये हमारा जो है डिहाइड्रेटर है, समझ गया ना, मतलब कि आप इसके अंदर से कैचुअल कोर को रिमूव करके दूसरा चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। और दूसरा इधर में देखिए, आपको रेचर रिंच चाहिए इसको बंद करने के लिए। फुल क्लोज कर देंगे, बाद में हम लोग सिस्टम को जो है ऑन करेंगे, चिलर को ऑन करेंगे, तो फिर हमारा टोटल जितना रेफ्रिजरेंट है जो है इधर से वो साइड में कंडेंसर में आकर के पूरा रेफ्रिजरेंट जो है हमारा स्टोर हो जाएगा। बाद में हम लोग सक्शन लाइन को बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन का ये बल्ब है, ये बल्ब को हम लोग फिर फुल क्लोज कर देंगे। बाद में जो है हम लोग यहाँ पे देखिए ऑयल निकालने के लिए यहाँ पे जगह दिया हुआ है, ऑयल चार्ज करने के लिए निकालने के लिए यहीं से हम लोग ऑयल निकालेंगे और डालेंगे, ठीक है। ऑन करेगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लोकेशन जो है यहाँ पे, ये हमारा ऑयल फिल्टर का एरिया है। यहाँ पे अपना लॉक किया हुआ है, एलेंकी के ज़रिए जो है इसको लॉक किया गया है। तो 8 mm का एलेंकी साइज इसमें लगता है, तो एलेंकी के ज़रिए हम इसको ओपन करके यहाँ पे फ़िल्टर को चेंज कर देंगे। देखिए फ़िल्टर चेंज करने के बाद जो है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उसके अंदर से रिमूव किया गया है। उस टाइम हम निकालते टाइम वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि हमारा हाथ जो था गंदा था, तो इसलिए जो है आपको निकाल के उसके बाद आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एक और मेरा दूसरा सर्किट है, तो कैसे इसको उसके अंदर डाला जाता है, कैसे सेट करके, वो हम आपको आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीख पाएंगे। ये हमारा जो है यहाँ पे लिक्विड लाइन में जो है ये फिल्टर ड्रायर का एरिया लगा हुआ है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना उसके अंदर से निकला है। इसका का काम है कि रेफ्रिजरेंट के अंदर जो भी मॉइस्चर वगैरह जो भी रहता है, तो इसके ज़रिए पास हो करके आगे हमारा कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट जाता है, तो इसके अंदर जो भी है कचरा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो फिल्टर ड्रायर, जब भी हम लोग ऑयल को चेंज करेंगे, तो फिल्टर ड्रायर हो और ऑयल फिल्टर दोनों को हम लोग जो है चेंज करना ज़रूरी है, नहीं तो बाद में फिर दूसरा सेम प्रॉब्लम आपको क्रिएट होएगा। और इसको खोलना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, स्पिनर के ज़रिए ओपन करके चेंज कर सकते हैं। और ये हमारे पास देखिए नया वाला है, ये जो देख रहे हैं फिल्टर ड्रायर, ये इसका मॉडल नंबर वगैरह जितना सब कुछ है इसमें लिखा हुआ है, D45 स्टैंडर्ड कैपेसिटी। और इसके ऊपर भी देखिए ड्राइंग के ज़रिए दिखाया गया है कि आप इसको जो है कैसे आपको चेंज करना है। इमर्सन कंपनी का है ये, हमारा ऑयल फिल्टर है डेकिन कंपनी का, पार्ट नंबर इसका देखिए दिया हुआ है, फिर मेड इन इटाली है। तो हम लोग जो है, हमारे पास स्क्रू खोलने के लिए जो है एलेंकी सेट वगैरह चाहिए, प्लस में बॉक्स स्पिनर सेट चाहिए, और जितना भी हम लोग नट बोल्ट का अगर खोलने के लिए उपयोग करेंगे तो उसमें एडजस्टेबल का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होता है स्लिप होने का। इसलिए जितना एमएम का ज़रूरत है उतना हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये कंट्रोल पैनल एरिया है टोटल, जो आप ये देख रहे हैं, और इसका मैकवे कंपनी का जो है ये चिलर है हमारा, और इसका सिलेक्टर स्विच दो, मतलब इसका जो है दो ये सर्किट है, कंप्रेसर A1 एंड कंप्रेसर 2, और इसका कंट्रोल भी दिया रहता है। तो इसके बारे में हम कभी और वीडियो आप लोगों को बताएंगे और दिखाएंगे कैसे ये होता है। इसमें 134A रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जा रहा है, और इसका देखिए पूरा डिटेल्स इस पर आप देख सकते हैं। ये हमारा 110 TR का कंप्रेसर है, दो सर्किट मिला करके, तो इसमें जो है रेफ्रिजरेंट कितना केजी चार्ज होगा वो पूरा डिटेल्स इस पर लिखा हुआ रहता है। ऑयल चार्जिंग का भी डिटेल्स लिखा रहता है, तो हम लोग अगर मेजरमेंट करके डालते तो बहुत अच्छा है। ये सिलेक्टर स्विच है, कंप्रेसर 1 एंड कंप्रेसर 2 का Q1 Q2 लिखा हुआ है, फिर ऊपर में देखिए कंट्रोल दिया हुआ है, अगर वो ऑन नहीं करेंगे तो हमारा 1-2 ऑन नहीं होगा। इधर में कंडेंसर है, दो सर्किट का दो पार्ट में कंडेंसर आपको देखने को मिल रहा होगा, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, और दो कंप्रेसर का बॉक्स भी है।
दोनों कंप्रेसर के लिए। ये हमारा चिल्ड वाटर लाइन इन हो रहा है, आउट हो रहा है, आउट में कभी भी एक्चुएटर लगा हुआ है तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो हमारा जो है आउट का है, एक हमारा इन का है। तो ये हमारा जो है, आगे आप देखिए, ये हमारा ऑयल यहाँ से हम लोग रिमूव करेंगे। फाइनली हम लोग फुल क्लोज़ कर लिए हैं, जितना भी बल्ब है सक्शन लाइन का क्लोज़ कर दिए हैं, लिक्विड लाइन का क्लोज़ कर दिए हैं और रेफ्रिजरेंट को रिमूव कर दिए हैं। तो अब जो है हम इसके अंदर से ऑयल को चेंज करना है, तो ऑयल को निकालना होगा। तो एलएनके साइड के यहाँ पे जो है सर्विस बल्ब को रेचेट रेंज के जरिए जो है हम लोग ओपन करेंगे, तो देखिए पूरा ऑयल जो है रिमूव हो रहा है। तो ऑयल हम लोग तब तक रिमूव करेंगे जब तक उसमें से गिरना बंद ना हो जाए, समझ गए। जिस तरह से हम लोग मोटरसाइकिल वगैरह का ऑयल नहीं चेंज करते हैं, सेम इसी तरह से जो है इसमें भी आपका जो है चेंज होगा। तो चेंज करने के बाद फाइनली जब चेंज कर लेंगे तो जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करके बाद में ऑयल फिल्टर वगैरह जो है हम लोग उसको चेंज करेंगे। तो ये देखिए अभी पूरा अभी रिमूव हो रहा है ऑयल जो है, ऑयल निकल जाएगा। तो ऑयल निकल जाएगा तो हम लोग को जितना इसमें ऑयल चार्ज करना है उतना वैक्यूम करके मशीन को, और उसके बाद जो है ऑयल को चार्ज करेंगे। तो कैसे वैक्यूम करके डालेंगे हम वो आपको दिखाएंगे आगे वीडियो में। तो ये हम लोग, ये देखिए यहाँ पे ऑयल फिल्टर का एरिया है, तो ऑयल फिल्टर एरिया को अच्छा से क्लीन करके उसके बाद हम लोग ये नया वाले को डालेंगे। इसका पूरा सेट है, सेट करके और उसके बाद जो है उसके अंदर फिटिंग कर देंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है कुछ भी, एक दो बार आप काम कर लेते हैं तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। अभी देखिए ये पूरा अच्छा से हम लोग क्लीन कर दिए। क्लीन करने के बाद जो है अब हम लोग इसको अंदर डालेंगे। देखिए अंदर डालेंगे तो ऑटोमेटिक जगह पर जा करके ये फिक्स बैठ जाएगा। तो ये जो है अभी देखिए ये जो है लॉक में फंस गया, ये हमारा परफेक्ट बैठ गया। अब हम लोग इसको जो भी है ऊपर से इसका ढक्कन लगा करके और इसको जो है टाइट कर देंगे। अच्छा से पूरा टाइट करना है कि लीकेज ना हो, बाद में हम लोग को लीक टेस्ट भी कर लेना है यहाँ पे, समझ गए। क्योंकि अगर लूज़ आप लोग कनेक्शन करते हैं और इसको जो है ऊपर नीचे जो है ना सीक्वेंस में वन बाय वन करके ये नहीं करना है, टाइट नहीं करना है, एक ऊपर डाले तो एक नीचे टाइट करेंगे, इस तरह से करके अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग इसको फुल टाइट कर लेंगे अच्छे से। और फुल टाइट करने के बाद जो है हम लोग को कंफर्मेशन होना चाहिए कि हम जितना टाइट किए हैं वो परफेक्ट है। ज़्यादा भी नहीं टाइट करना है, मतलब पूरा एक को ज़्यादा कर दिया एक को कम कर दिया ऐसा भी नहीं करना है, पूरा फाइनली मतलब अच्छा से उसको हम लोग को एलेंकी सेट के ज़रिए जो है टाइट कर देना है। तो अभी हम लोग इसको फंसा दे रहे हैं इसको, और उसके बाद जो है फाइनली इसको लास्ट में टचअप करेंगे। तो अभी देखिए ये हमारा जो है कंप्रेसर को वैक्यूम में लगा दिए थे, एक घंटा दो घंटा ये वैक्यूम में चला। वैक्यूम में चलने के बाद अब जो है हम लोग जो है इसको ऑयल को चार्ज करेंगे। तो वैक्यूम करने के बाद क्या होता है, कंप्रेसर के अंदर जो है माइनस में अपना प्रेशर हो जाता है, -30 इंच HG में हम लोग करते ना। तो अभी उसके अंदर अगर कोई भी बल्ब ओपन करते हैं तो उसके अंदर हवा जाएगा, कोई भी चीज़ खींच लेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमको ऑयल चार्ज करना है। तो अभी इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि एक पाइप जो है जहाँ पे सर्विस बल्ब है ऑयल चार्जिंग का, वहाँ से एक पाइप को लेकर के कटिंग हाउस हम लोग ये गैलन में डालेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना टीन का, ये गैलन जो है ऑयल का है, ऑयल के अंदर हम लोग एक पाइप को डाल दिए और बाद में जो है उसके बाद जो है हम लोग इसको, अब क्या है कि हम लोग रेचेट रेंज के जरिए जो है सर्विस वाल्व को जो है हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो जो है जो हमारा ऑयल है, ऑयल को वो सक करने लगेगा, खींचने लगेगा, और खींचेगा तो जितना ज़रूरत है, जिस उसके अंदर रिक्वायरमेंट है उतना ऑयल जो है चार्ज हो जाएगा। बगल में साइड ग्लास भी रहता है, हम आपको साइड ग्लास भी दिखाएंगे। साइड ग्लास के जरिए भी जो है हम लोग ऑयल को चार्ज कर सकते हैं, नहीं तो जितना हमें रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से अगर हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं, मतलब केजी में माप लेते हैं, उसके हिसाब से चार्ज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ज़्यादा चार्ज कर देंगे तो भी प्रॉब्लम है, कम चार्ज हो तो भी प्रॉब्लम है। तो एक्यूरेट जितना उसका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग उसके अंदर ऑयल को चार्ज करेंगे। तो अभी हम लोग जो है इसके अंदर जो है चार्ज कर रहे हैं ऑयल को। ऑयल को चार्ज करने के बाद अभी हम आप लोगों को जो है साइड ग्लास आप लोगों को हम दिखाते हैं। ये हमारा जो है फिल्टर ड्रायर है, फिल्टर ड्रायर को जैसे आप नट बोल्ट देख रहे हैं ना, इसको ओपन करके और बाहर निकालेंगे, उसके अंदर का जो हम आपको दिखाए थे वो सीधा उसके अंदर हम लोग डाल देंगे। ये जो है हमारा लोडिंग अनलोडिंग का जो है
सोलेनाइड बल्ब है। ये देखिए हमारा साइड ग्लास है, ये साइड ग्लास में नीचे वाला जो पोजीशन है ना, जो आप देख रहे हैं उसके अंदर एक रेड कलर का डिब्बी जैसा है, वो लेवल को दिखाता है कितना लेवल तक आपका चार्जिंग हुआ। वो जो है नीचे वाला फुल फुल होना चाहिए, और ऊपर का जो है ना हमारा ऊपर वाला जो साइड ग्लास है, ये जो देख रहे हैं ऊपर का साइड ग्लास में 3:4 का रेशियो में हम लोग उसको चार्ज करना है, उसको फुल नहीं करना है। उसको फुल करेंगे तो प्रॉब्लम है। नीचे वाला जो है पूरा फुल होना चाहिए, ऊपर वाला का जितना 3:4 का रेशियो में हम लोग उसको रखेंगे तो हमारा सही रहेगा। ये हमारा सिस्टम का इसमें दिया हुआ है, मतलब हम 10 kg इसमें चार्ज करेंगे तो वहाँ तक हमारा पहुँच जाएगा। ऐसे भी अभी जो है अब हम लोग क्या है फाइनली चार्ज कर लिए, ऑयल वगैरह सब चार्ज कर लिए। अब जो है यहाँ पे जो देख रहे हैं ये हीटर का कनेक्शन है, ये ऑयल को हीट करने के लिए जब हम लोग चार्ज करते हैं तो ऑयल को इसको लगा करके हीट करेंगे तो हमारा सही हो जाए। आज का यही वीडियो था, वीडियो इतना मेहनत से बनाया है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और आप लोग कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप लोग किस टॉपिक पे जानना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं उसके बारे में बताएं, हम आप लोगों को बताने का कोशिश करेंगे, उसमें वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाएंगे।